नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। भारत चीन 1962 युद्ध के दौरान ब्यास और दारमा घाटी में युद्ध जैसे हालात नहीं थे, लेकिन लोगों में चिंता का माहौल जरूर था। उस दौर में दोनों घाटी के सैकड़ों युवाओं, महिलाओं ने बकरियों, घोड़ों और खच्चरों के सहारे सीमा पर सेना को हथियार और रसद पहुंचाई थी। लोगों ने अपने मकानों में चाउ माउ सावधान, जाग उठा हिंदुस्तान जैसे नारे लिखकर चीन के प्रति अपना विरोध भी जताया था। युद्ध छिड़ने की खबर के बाद देश की सेना ब्यास और दारमा घाटी में पहुंचने लगी थी। सीमा की सुरक्षा मुस्तैदी से कर रही थी। उस समय सीमांत सड़क नहीं होने से सेना को पैदल ही अपने रसद और हथियार पहुंचाना काफी कठिन हो रहा था। ऐसे में प्रशासन के आह्वान पर दोनों घाटी के सैकड़ों लोग रसद और हथियार सीमा तक पहुंचाने के लिए सेना की मदद को आगे आए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि युद्ध के दौरान वो लोग धार चूल्हा में ही थे, तो उन्होंने अपनी बकरियों पर लाद कर सेना के हथियार और रसद धार चूल्हा से खेला गांव तक पहुंचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर दारमा, ब्यास और चौदास घाटी के नागरिकों ने रुपए पैसे के साथ चांदी और सोने के जेवरात भी सरकार को दिए थे। भारत चीन युद्ध के समय दारमा घाटी के लोगों ने अपने अपने मकानों में चाऊ माऊ सावधान, जाग उठा हिंदुस्तान आदि नारे लिखकर अपना विरोध जताते थे। वर्तमान में समाज सेवी शकुंतला के मकान में ये नारे लिखे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस युद्ध के समय कुटी गांव में खेती का कार्य पूरा हो चुका था। गांव में फसल पक गई थी। लोगों में काफी भय का माहौल था। बुजुर्गों ने आपस में वार्तालाप करके जो होगा देखा जाएगा सोचकर फसल की कटाई की। इसके बाद निचली घाटी में वापस लौट आए। सीमांत के लोगों ने युद्ध के समय हर प्रकार के सहयोग देने के बाद 1965 से 1970 के बीच सिविल एसएसबी के अधिकारियों ने सीमांत के लोगों को 45 दिनों तक हथियार चलाने का ट्रेनिंग दी थी। 1962 के युद्ध के समय सीमांत के गुंजी, नपलचू, नाबी और रोकांग के समाज के लोगों ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर मनीला तक अपने पारंपरिक वेशभूषा और रंग पहनकर ढाल, तलवार और बाजे के साथ लोक नृत्य किया था। इसके अलावा रसद, हथियार और गोला बारूद के साथ ही अन्य सामग्री भी विभिन्न पोस्टों में पहुंचाने में सहयोग किया था। उत्तराखंड में चमोली जिले से लगे चीन सीमा क्षेत्र के अंतिम गांव नीति के ग्रामीणों के लिए देश सेवा सर्वोपरि रही है। ये वही गांव है जहां के ग्रामीण 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सेना के साथ नो मैंस लैंड बाड़ा होती तक घोड़ों पर सामान लाद कर गए थे। यहाँ के बुजुर्गों को आज भी यह घटना याद है। जोशी मठ के करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीति गांव में भोटिया जनजाति के ग्रामीण निवास करते हैं। सर्दियों में यह इलाका 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में ग्रामीण जिले के निचले क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस गांव के ग्रामीण सेना के जवानों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 1962 में भारत तिब्बत के बीच व्यापार होता था। ग्रामीण बाड़ाहोती से होकर तिब्बत पहुंचते थे। गांव के लोग बताते हैं कि 1962 के युद्ध के समय हम अपने घोड़ों, बकरियों पर सामान लादकर सेना के साथ बाड़ाहोती मैदान तक पहुंच गए थे। ग्रामीण बुग्यालों में अपनी बकरियों को चुगाने ले जाते थे, तो पड़ोसी देश की गतिविधियों पर भी पूरी नजर रखते थे। आज की तरह 1962 में संचार के साधन नहीं थे। घटनाओं की तुरंत जानकारी कई दिनों बाद मिल पाती थी। देश दुनिया की जानकारी शहरियों व ग्रामीणों को रेडियो से हुआ करती थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के हालात जानने के लिए हर कोई परेशान रहता था। वहाँ क्या हो रहा है, देश के सैनिक कैसे चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, इस युद्ध का हाल जानने के लिए रेडियो की डिमांड बढ़ गई थी। शहर में रेडियो की दो गिनी चुनी दुकानें थीं, जहाँ रेडियो एक सप्ताह के भीतर रेडियो का स्टॉक खत्म हो गया था। 15 दिन तक लोगों को रेडियो खरीदने का इंतजार करना पड़ता था। गांव में रेडियो रखने वालों के घर समाचार सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटती थी। रेडियो और रेडुआ की कीमत 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हुआ करती थी। भारत चीन युद्ध के दौरान
सेना में जिले के भी सैकड़ों सैनिक सरहदों पर तैनात थे। देश दुनिया में होने वाली गतिविधियों के साथ ही भारत चाइना युद्ध का हाल जानने के लिए लोग रेडियो पर समाचार सुना करते थे। जानकारी के अनुसार शहर में 1962 के दौरान रेडियो की केवल दो दुकानें हुआ करती थी, निर्मल तिराहे पर सेठ धर्मदेव अग्रवाल की तो दूसरी पंजाबी मार्केट में जाफरी की। सेठ धर्मदेव की दुकान पर मर्फी तो अहमद सुहेल जाफरी की दुकान पर फिलिप्स कंपनी का रेडियो व रेडुआ मिलता था। उस समय रेडियो व रेडुआ 50 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच बिकता था, जिसे लेने के लिए गांव से 4-5 लोग आया करते थे। रेडियो खरीदने के बाद 3 रसीद कटती थी। एक रसीद स्टेशन रोड स्थित डाकघर जाती थी, जहां रेडियो का पंजीकरण होता था। बिना पंजीकरण के रेडियो का प्रयोग पूरी तरह वर्जित था। युद्ध का हाल जानने के लिए लोग रेडियो खरीद रहे थे। एक सप्ताह में ही स्टॉक समाप्त हो गया था। 15 दिन बाद रेडियो का स्टॉक आने पर लोगों की भीड़ लग गई। चूंकि बिना पंजीकरण के बिक्री मना थी, इसलिए लोगों को रेडियो लेने के लिए कई दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता था। रानीगंज तहसील क्षेत्र के निवासी बताते हैं कि भारत चीन युद्ध के हालात जानने के लिए 2-4 गांव के लोग एक जगह एकत्र होते थे। अमूमन चौपाल वाले स्थानों पर ही लोग रेडियो लेकर पहुंच जाते थे, जहां समाचार प्रारंभ होने से पहले ही रेडियो को घुमाकर सिग्नल पकड़ाया जाता था। बीच में रेडियो रखा जाता था। वह बताते हैं कि जब समाचार सुनते हुए यह पता चलता था कि देश का सैनिक शहीद हुआ है, तो लोगों की आंखों में आंसू निकल आते थे और लोग जोश में आ जाते थे। जैसे ही समाचार का बुलेटिन समाप्त होता था, जोश से लवरेज लोग सीमा पर जाकर जंग लड़ने की बातें करने लगते थे। दिन में 3 बार बुलेटिन सुनने के लिए लोग बरगदहा बाबा के घर के सामने स्थित बरगद के पेड़ के नीचे जुटते थे।